बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं शगुफ्ता चार्ल्स बाइबल ग्रुप से बिलोंग करती हूँ और आज हमारा टॉपिक है एमएस दोस्त। जी हाँ दोस्तों, एमएस दोस्त के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हमारे एमएस दोस्त के बारे में आप जानने के लिए हमारे इस वीडियोस को इन तक देखें। हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि इंट्रोडक्शन एमएस दोस्त का, उसके बाद हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट किया जाता है, और वर्किंग विद कमांड। हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि एमएस दोस्त विदाउट कमांड का आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको कमांड ये नेसेसरीज है लर्न करने के लिए। अब मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ एमएस दोस्त का। एमएस दोस्त है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका ये फुल फॉर्म होता है। ये एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जी हाँ दोस्तों, ये एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से बिलोंग करता है और ये 1980 में इस्टेब्लिश की गई थी, बट 1981 में लॉन्च हुई थी मार्केट में, इन द मार्केट। अब ये इन्वेंटर करने वाले कौन थे? टिम पैटरसन थे। जी हाँ दोस्तों, आपने टिम पैटरसन का नाम तो सुना ही होगा। जैसे कंप्यूटर को इन्वेंटर करने वाले चार्ल्स बैबेज थे, वैसे एमएस डॉस को इन्वेंटर करने वाले कौन थे? टिम पैटरसन थे। एमएस डॉस को दो भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, एमएस डॉस को टू टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहले इंटरनल कमांड एंड एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड क्या होता है? ये प्री लोडेड कमांड होता है, ऑटोमेटिकली अपने आप लोडेड होते रहते हैं। इसमें क्या हो, इंटरनल कमांड में आप एग्जांपल अगर हम लेना चाहेंगे, जब ऐसा बोलने की ना, अभी आपको हमने बताया कि इंटरनल कमांड जो वो प्री लोडेड कमांड है, ये विंडो के साथ ये प्री लोडेड होते रहता है। अगर हम अभी इंटरनल कमांड एग्जांपल लेना चाहेंगे तो डेट, टाइम, सी एल एस एक्सेट्रा। एक्सटर्नल कमांड जो ये होता है, ये नॉन प्री लोडेड कमांड होते हैं, ये विंडो के साथ ऑटोमेटिकली अपने आप लोडेड नहीं होते, जैसे एडिट, एक्स कॉपी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बताना चाहेंगे कि हाउ टू स्टार्ट एमएस डॉस, हम एमएस डॉस कैसे स्टार्ट करते हैं। एमएस डॉस स्टार्ट करने का टू मेथड होता है। फर्स्ट मेथड होता है आपका कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, उसके बाद और प्रोग्राम में जाएं, देन क्लिक एसोसरीज, वहां आपका कमांड प्रॉम्प्ट शो करेगा, आप वहां जाके क्लिक कर दें, यह आपका एमएस डॉस ओपन हो जाएगा। अब आपका सेकंड प्रोसेस क्या है, वहाँ जाकर विंडो प्लस आर, जी हाँ दोस्तों, ये विंडो प्लस आर एक साथ प्रेस करना पड़ेगा, तब जाकर आपका इस टाइप का रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ जाकर आप चाहे सीएमडी या फिर कमांड वहाँ लिख टाइप करें, और वहां जाकर ओके या फिर इंटर वहां बटन कीबोर्ड पे शो करता है, या इंटर भी प्रेस कर दे। अब आप पर डिपेंड करता है, चाहे आप ओके क्लिक करें या इंटर प्रेस करें, वहां जाकर आप करेंगे तो ये आपका सीएमडी बॉक्स और एमएस डॉस ओपन हो जाएगा। अगर आप यहां सीएमडी और कमांड पे जाकर प्रेस कर देंगे तो आपका इस टाइप का स्क्रीन खुल जाएगा। वहां पे आपका सी कोलन स्लैश और ये ब्रैकेट है, यहाँ पे आप जाकर टाइप या अपना फाइल को क्रिएट, अब जिस कमांड आप यूज करना चाहते हैं यहाँ जाकर आप कमांड यूज कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया एमएस डॉस का इंट्रोडक्शन दिया और हाउ टू स्टार्ट एमएस डॉस। मैंने अभी आपको बताया कि एमएस डॉस कैसे स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वर्किंग विद कमांड। सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि एमएस डॉस में विदाउट कमांड हम यूज़ नहीं कर सकते। अब हम आपको बताना चाहते हैं कॉपी अपने इस एमएस डॉस में हम कैसे फाइल क्रिएट करते हैं। ये आपका सी, यहाँ इसके बाद आप यहाँ कॉपी, फिर स्पेस और स्पेस, आप यहाँ पर नेम डाल सकते हैं,
जी हाँ दोस्तों, कॉफी स्पेस कौन स्पेस राज। अब राज की जगह कोई और भी नेम ले सकते हैं, जैसे आफिया, टैसी, दुनिया का कोई भी नेम आप ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। हमने यहाँ पे राज दिया, अगर हम उसके बाद हम अपना मैसेज पास करना चाहेंगे तो मैसेज में हम लिखा गुड मॉर्निंग, हम गुड मॉर्निंग की जगह हाय गुड मॉर्निंग की जगह हम हैव अ नाइस डे भी, गुड बाय, हैप्पी बर्थडे, गुड लुकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम गुड मॉर्निंग की जगह कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। उसके बाद हमें अपने ये मैसेज को सेव करना चाहेंगे तो कंट्रोल प्लस जेड या फिर F6। जी हाँ दोस्तों, इसका भी टू मेथड होते हैं, आप दो मेथड यूज इसमें फाइल सेव करने के लिए कर सकते हैं, कंट्रोल जेड या F6। F6 हम उसे फंक्शन कीज बोलते हैं, F6 प्रेस करने के बाद इंटर प्रेस कीजिए, ये आपका मैसेज सेव हो गया। आप भी आपको हमने बताया कॉपी कौन से हम कैसे फाइल क्रिएट करते हैं। अब हम अगर देखने बताना चाहते हैं कि टाइप से हमने जो ये मैसेज सेव किया था वो मैसेज हमारा सेव हुआ है या नहीं, तो हम आपको बताएंगे टाइप स्पेस। आपने भी राज के नाम से जो फाइल बनाया था ना, वो यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस नेम से हम फाइल बनाए हैं उस नेम से यहाँ पर फाइल आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये टाइप हम लोग मैसेज देख रहे हैं ना कि राज में हम जो फाइल बनाए हैं वो राज में ये वो क्या मैसेज से हुआ है या नहीं। ये टाइप कमांड जो है वही कमांड देखने के लिए होता है मैसेज अपना, तो हमने टाइप स्पेस राज किया, उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमने ये जो गुड मॉर्निंग जो लिखा था वो राज में शो कर देगा। जो टाइप कमांड जो होता है वो अपना मैसेज देखने के लिए किया जाता है। आपने अभी टाइप राज में जो मैसेज जो सेव किया था वो हम देखना चाहते थे, आप राज करने पर इंटर प्रेस कीजिएगा तो ये मैसेज यहाँ शो कर देगा, जैसे गुड मॉर्निंग से हमने यहाँ मैसेज पास किया था वही मैसेज यहाँ पर आपका शो कर देगा, क्योंकि हमने ये टाइप किया है। टाइप कमांड जो होता है वो हमारा अपना मैसेज देखने के लिए ये यूज किया जाता है, टाइप का यही कमांड यूज होता है। अभी आपको हमने बताया कॉपी कौन से कैसे फाइल क्रिएट करते हैं और टाइप करके अपना मैसेज हम कैसे सेव किया हुआ देख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कॉपी और फाइल में जो हमने मैसेज लिखा था वो न्यू नेम में कैसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा कॉपी स्पेस ओल्ड नेम क्या है, राज है, तो आपको यहाँ राज उसके बाद स्पेस। हमने यहाँ पे कॉपी कमांड क्या कहते हैं, कॉपी कमांड जो होता है वो न्यू ओल्ड फाइल के लिए होता है, तो हमने यहाँ पे राज ओल्ड नेम लिया था, अब हमने यहाँ पे न्यू नेम क्या है, सोनू है। सोनू लिखने के बाद आप इंटर प्रेस कीजिएगा, ये इंटर का सिंबल होता है, आप इंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे आप जो राज में गुड मॉर्निंग लिखा था वो यहाँ सोनू में आ जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमने राज का जो मैसेज है वो सोनू में आया है या नहीं, तो आपको यहाँ पे इससे पहले टाइप हमने को क्या बताया कि हम अब हमारा जो मैसेज हम देखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ टाइप कमांड यूज करते हैं, तो हम वो टाइप कमांड यहाँ भी यूज करेंगे, वही प्रोसेस होता है। जी हाँ दोस्तों, तो हम यहाँ पर
टाइप स्पेस, हमने न्यू नेम क्या लिखा था सोनू, तो हम यहाँ सोनू लिखेंगे सोनू। तो हमने लास्ट में क्या लिखा था, गुड मॉर्निंग लिखा था, तो वो सोनू में आ जाएगा। हमने आपको क्या होता है कॉपी से हम लोग कैसे राज का जो मैसेज है वो सोनू में कैसे लाते हैं, तो हमने टाइप किया कॉपी स्पेस राज, ओल्ड फाइल का नेम दिया स्पेस न्यू फाइल नेम सोनू, उसके बाद हमने इंटर प्रेस किया, तो ये जो गुड मॉर्निंग जो है राज का वो सोनू में आ जाएगा। अब हम देखना चाहते हैं कि सोनू राज का जो वो मैसेज है क्या सोनू में आता है या नहीं, तो हमने टाइप, अभी आपको हमने बताया था कि हम मैसेज कैसे देखते हैं, तो वही प्रोसेस सेम टाइप स्पेस सोनू, आफ्टर यू इंटर मैसेज शो हियर गुड मॉर्निंग, आपको यहाँ मैसेज शो कर दिया गुड मॉर्निंग। जी दोस्तों, ये आप सब अभी हमने आपको बताया कॉपी कौन सा कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, टाइप कमांड है वो अपने मैसेज को कैसे देखते हैं, उसके बाद अभी आपको फिर हमने बताया कि हमने ओल्ड मैसेज कैसे न्यू फाइल में डालते हैं यानी सोनू में डाल सकते हैं, तो हमने आपको ये बताया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रीनेम कैसे अपने फाइल को जो हमने राज के नेम से बनाया था वो हम राज को नहीं रखकर हम सोनू में रखना चाहते हैं, यानी हम अपना फाइल नेम है वो चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर रीनेम रीनेम लिखना पड़ेगा, ये रीनेम का शॉर्ट फॉर्म होता है रेन REN रेन, उसके बाद आपने ओल्ड नेम क्या रखा था राज रखा था स्पेस राज स्पेस, और हमने न्यू नेम क्या रखना चाहते हैं मोनू। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको ये बताया था कि कॉपी कौन से कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, उसे मैंने आप बार बताया कि हमने अपना फाइल जो सेव किया था वो हम कैसे देख सकते हैं, हमने बताया टाइप कमांड यूज करते हैं, उसके बाद हमने आपको बताया कि फाइल को कॉपी करना है तो हमने अभी आपको बताया था कॉपी से हम कैसे फाइल देखते हैं। अब उसके बाद आपको हम बताना चाहते हैं कि रीनेम, रीनेम मतलब होता है कि हमने अभी राज के नेम से जो फाइल बनाया था वो राज में नहीं रहकर वो मोनू से फाइल जाना चाहे, तो उसके लिए आपको रीनेम स्पेस राज स्पेस मोनू, उसके बाद आपको हमने बताया कि रीनेम से हम अपना जो मैसेज राज का था वो मोनू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इतना याद रखिएगा कि रीनेम का जो मीनिंग होता है कि वो अपना फाइल दूसरे फाइल में हम चेंज करना चाहेंगे तो चेंज हो सकता है, बट लेकिन अगर आप राज में अगर टाइप कीजिएगा तो हम जो राज का जो फाइल जो है गुड मॉर्निंग मैसेज था, अगर आप राज में देखना चाहते हैं तो वो राज में ओपन नहीं होगा, क्योंकि हमने तो रीनेम कर दिया है ना, रीनेम मतलब क्या होता है चेंज करना, रीनेम मतलब सोनू राज का जो मैसेज है वो सोनू में कन्वर्ट कर देना है ना, तो हम मोनू में जो कन्वर्ट कर दिया, तो आपका जो मैसेज रीनेम करने पे हमने मोनू में जो आपका जो ये मैसेज राज में था वो शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने रीनेम कर दिया है मोनू में ना, तो ये मोनू में शो करेगा हमारा मैसेज, अगर आप टाइप राज कीजिएगा तो टाइप राज नहीं शो करेगा। लिखा है क्या फाइल इज नॉट फाउंड, फाइल इज नॉट फाउंड का मतलब कि आपने राज का जो फाइल बनाया था वो अब खत्म हो गया है, अब वो मोनू में चला गया है, अगर आप टाइप कीजिएगा अगर आप टाइप स्पेस आप मोनू लिखिएगा, अगर मोनू आप लिखिएगा तो आपका राज का मैसेज मोनू में जो चला गया था वो मोनू का मैसेज यहाँ पे शो कर देगा, रीनेम का यही मीनिंग होता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ डेल, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ डेल, डेल का मीनिंग होता है डिलीट,
यानी वो मैसेज या वो नेम से जो हमने मैसेज बनाया था वो खत्म कर देगा। दिस कमांड इज यूज टू डिलीट द क्रिएटेड फाइल। जी हाँ दोस्तों, यानी जिस नेम से हमने फाइल जो बनाया था वो फाइल को खत्म कर देगा। अभी मैंने आपको बताया कि रीनेम का क्या यूजेस किया गया। डिलीट का मीनिंग होता है अपना फाइल को डिलीट करना। जी हाँ दोस्तों, अगर हमने अभी आपको DLA स्पेस, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा था, मोनो लिखा था, तो मोनो आप यहाँ लो, डेल मोनो कीजिएगा। उसके बाद आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपने मोनो भी क्या मैसेज था, गुड मॉर्निंग। तो आपके ये जो मैसेज है वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि डेट का ही मीनिंग होता है डिलीट हो जाना। आपके ये मैसेज डिलीट हो गया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कलर कोड, ये भी एक एमएस डॉस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, कलर कोड भी एक इम्पोर्टेंट एमएस डॉस का पार्ट है। आपका अगर बैकग्राउंड जो कलर होते हैं आपको अगर पसंद के लाइक नहीं है तो आप ये सब कोड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कलर कोड चेंज कर, कलर कोड नहीं मालूम है तो आप यहाँ एमएस डॉस में सी कलर स्पेस कोड लिखने के बाद इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपका यहाँ कलर कोड शो कर देगा। ये इसे हम जो बोलते हैं बैकग्राउंड कलर बोलते हैं, और इसे जो हम बोलते हैं टेक्स्ट कलर। आपको तो मालूम होगा बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर किसे बोलते हैं। जो हम कीबोर्ड से राइट करते हैं, टाइप करते हैं, और आपका मॉनिटर पे, जी आपका मॉनिटर पे शो जो करता है उसे हम टेक्स्ट बोलते हैं। ये जो सारे जो कोड है वो टेक्स्ट राइट टेक्स्ट है, और ये सारे बैकग्राउंड है। अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो आप यहाँ जाकर कलर, उसके बाद स्पेस, आपको बस आप यहाँ, मैं अभी आपको बताई कि कलर कोड आपको नहीं मालूम है तो हम कलर कोड लाने के लिए क्या करते हैं, तो कलर स्पेस कोड, इसके बाद आप इंटर कीजिएगा तो आप यहाँ कलर कोड शो कर देगा। उसके बाद अगर आपको बैकग्राउंड या टेक्स्ट मनपसंद कलर नहीं है तो आप वहाँ चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का आपका क्या है, कलर, उसके बाद स्पेस, उसके बाद 6 या 8। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, कलर स्पेस उसके बाद 3 8, उसके बाद आप यहाँ इंटर कर दीजिए। इंटर कर कीजिएगा तो आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप राइट, जो आपने यहाँ भी टेक्स्ट राइट का भी कलर चेंज किए हैं तो आप जो कीबोर्ड से राइट कीजिएगा आपको वहाँ मॉनिटर पे शो करेगा टेक्स्ट। अभी मैंने आपको बताया कॉपी कौन से कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया अपने मैसेज को कैसे देखते हैं, कॉपी करना बताया, फिर इसका डेट, रीनेम, कलर कोड, सेक्टर सेक्टर। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डेट और टाइम कैसे बताना। डेट और टाइम करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा डेट, DAT। हाँ जी हाँ दोस्तों, डेट टाइप करने के बाद आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपका यहाँ पर डेट शो कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये शो कर देगा, ये मंथ, ये आपका जो लैपटॉप, ये जो आपका मॉनिटर पर जो टाइम शो नीचे करता है यहाँ पर, ये मॉनिटर पे यहाँ पे जो टाइम शो करता है डेट, वो वही चीज यहाँ पे शो करता है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो डेट है वो आज का नहीं है, हम यहाँ पे न्यू डेट डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका बोलता है इंटर द न्यू
न्यू डेट, न्यू डेट आज का डेट कितना है, आज का डेट है यहाँ पर सबसे यहाँ मंथ, उसके बाद डे, उसके बाद ईयर। जी हाँ दोस्तों, ये आपका एज ए मंथ डे ईयर शो करता है दोस्तों, आपका मंथ डे और ईयर शो करता है। तो आप यहाँ पर न्यू डेट डाल सकते हैं, न्यू डेट डालने का आज का डेट कितना है, डेट है 12। जी हाँ, तो ये याद रखना पड़ेगा मंथ जो सबसे पहले क्या शो करता है, मंथ बोलते हैं ना, तो आप मंथ डालिए, उसके बाद डे, डे मतलब आज का डेट कितना है, तो आज है 6, उसके बाद आपका ईयर, ईयर क्या है 2018। उसके बाद आप इंटर कीजिएगा तो आप ये जो डेट है यहाँ शो कर देगा। मैंने अभी आपको बताया डेट हम कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद आपका आता है टाइम, अगर आप टाइम लिखने के बाद प्रेस कीजिएगा तो आपका जो यहाँ पर जो मॉनिटर में जो टाइम जो बताता है ना, वो टाइम यहाँ पर आपका शो कर देगा। यहाँ पर आपका टाइम शो कर देगा। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो न्यू टाइम है डालना हम चाहते हैं, तो आप यहाँ पर बोलेगा इंटर द न्यू टाइम। तो न्यू टाइम आपका क्या है 23:42, ये आपका इंटर के न्यू टाइम डालिए, आपका यहाँ पर मॉनिटर में न्यू टाइम शो हो जाएगा। हमारे इस वीडियोस का जी दोस्तों, आज अपने आपको हमने बताया आपको कॉपी कॉन से कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, कॉपी करना, टाइप करना, डेट, टाइम, कलर कोड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस वीडियोस को इन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम इस वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉरवर्ड करें। आपका हमारे इस वीडियोस को देखने के लिए इन तक बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियोस को देखने इस नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए बेल सब्सक्राइब करें और बेल